फिर से कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। किस पे? अजीत पे। खैर, इन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है ये तो खैर जब कामिनी जी का वीडियो आएगा तभी हमें पता चलेगा। क्या वाकई अजीत ने निकी को ऐसी चीजें बोली? और अगर बोली तो क्या वैसे ही बोली जिस तरह से बताया जा रहा है? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और कल का वीडियो इतना पसंद किया आप लोगों ने, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं रेगुलर कोशिश कर रही हूँ रहने की, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखने की। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं मेरे चैनल पे, उसके लिए थैंक यू, दिल से शुक्रिया। और बहुत सारे मेरे पास इंस्टा पे भी डीएम आ रहे थे और लोग भी कमेंट सेक्शन में मेरे जो मैंने कल वीडियो बनाया उसमें बोल रहे थे कि आप इस पे भी वीडियो बनाओ, इस पे भी, है ना। तो देखिए, मैं जो रिएक्शंस देती हूँ, मैं फ़िलहाल देवरानी जेठानी, है ना, इनके जो टॉपिक्स हैं और भी मैं टॉपिक्स कवर करती हूँ, चाहे वो प्रीति अंकुश का हो, लखनीत ब्लॉग्स हों, ठीक है। लेकिन अगर इस वाली चीज़ में देखा जाए तो मैंने जो लोग भी बोल रहे हैं आप वहाँ जाके वीडियो देखो, कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी है रिकॉर्ड करके, तो मैं देखा और वाकई मुझे जो चीज़ें मैंने सुनी तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो बहुत गलत बोला गया है, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन एट द सेम टाइम जब तक कामिनी जी का कोई वीडियो नहीं आ जाता है ना, तब तक हम इस पर क्या ही कमेंट करेंगे। पहले भी एलिगेशंस लगे थे, अगर आप लोगों को याद होगा, जब कॉन्ट्रोवर्सी चली थी कि धनवी को गाली दी, ऐसा कुछ बोला गया था, राइट, जबकि साफ साफ कामिनी जी ने मना कर दिया था लाइफ में कि ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। अब इस तरह के और एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है। और जब तक कोई इनका वीडियो नहीं आता है हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर बोला गया है जिस वे में बताया गया है तो वाकई बहुत गलत है, ठीक है। क्योंकि वो सिचुएशन हमने भी देखी थी, ठीक है, हर एक औरत इस चीज़ से जब गुजरती है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत दुख भी होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहती हूँ कि जब तक हम लोग कामिनी जी का कोई वीडियो नहीं आता है इसके रिगार्डिंग, और वो जब तक नहीं बोलती है कितनी सच्चाई है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों पे हमें बिलीव करना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग जो आज वीडियोस बना के सब बोल रहे हैं, अगर आप लोग देखें, पहले इतने अच्छे रिश्ते थे, ठीक है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या उनकी कोई मजबूरी है कि इतना सब कुछ एकदम से, मतलब कहते हैं ना, टर्न ले लेना, और आज ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं। उस टाइम पे वीडियोस भी बनाई गई जहाँ पे साथ साथ घूमने भी गए, रोया भी जा रहा था, तो आज सडनली ये 360 डिग्री टर्न। हाँ, तो ये चीज़ें समझने के लिए देखिए क्या ही बोलें, है ना, 100 लोग हैं तो 100 बातें करेंगे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि कल का जो वीडियो आया था कामिनी जी का, उस पे कामिनी जी ने क्वेश्चन आंसर ब्लॉग जो डाला, उस पे मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े जहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि घर की इज्जत मत उछालो, सोशल मीडिया पे मत लाओ। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपको टारगेट किया जाएगा, एलिगेशंस लगाए जाएंगे झूठे, तो आपको बिल्कुल बोलना चाहिए। मैक्सिमम लोग इनको यही कह रहे हैं कि आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो, कंट्रोवर्सी आप स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कल के वीडियो में बोला था कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं तो वो रिप्लाई कर रही हैं, और सब इनको कंट्रोवर्सी का जो दोषी बना देते हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि किस तरह की चीज़ें इनके आसपास की जाती हैं, इनको अगर टारगेट किया जा रहा है, सब मिलके करते हैं, और फिर कम्युनिटी छापी जाती हैं, फिर डिलीट कर दी जाती है, ठीक है, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बुरा बनाने के लिए ही तो किया जाता है ना, ताकि आधी पब्लिक जाए इनसे ये सब चीज़ें पूछे। मेरा बस ये सवाल है कि कंट्रोवर्सी सिर्फ एक को अगर आप ब्लेम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग कौन कर रहा था, ठीक है, किस तरह के कमेंट्स को लाइक किया जा रहा था, और जहाँ तक बात रही, हाँ जी, मैं एंगेजमेंट, आरती की जो एंगेजमेंट थी, मैं उससे रिगार्डिंग भी आज कुछ चीज़ें, जैसे कल मैंने बोली थी, और मैंने ये भी बोला था कि जो लोग जैसी चीज़ें बोलते हैं उस पर भी मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। कल हमें क्वेश्चन आंसर ब्लॉग के थ्रू ही, अगर हमें नहीं पता चलता, अगर मैंने भी अपने चैनल से पूछा था कि वाकई क्या इनवाइट किया गया था आपके मम्मी पापा ने, आपके सास ससुर को इनवाइट किया था या नहीं, तो हमें कल ही उनके ब्लॉग के थ्रू पता चला कि ना सिर्फ इनवाइट किया था, रिस्पेक्टफुली दोनों सास ससुर से बात हुई थी इनके पापा की, उल्टा आरती जिसके एंगेजमेंट थी, है ना, उसने भी, वो रोई थी क्योंकि आंटी जी बीमार थी, आंटी ने फ़ोन पर मना कर दिया था। अब यहाँ पर मैंने कल जो चीज़ें बोली कि उधर इंगेजमेंट में ना जाना, और फिर आप अपनी छोटी बहू के मायके में, गृह प्रवेश में चले जाते हो,
तो एक ये जो मैसेज जाता है ना, और सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है आपके बड़े हो, मैं यहाँ पे ये नहीं कहती आपने कुछ सोच के डिसीजन लिया होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि सामाजिक समाज में आप रहते हो, जिस समाज में अगर आप बड़ी बहू की बहन, और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि उसकी शादी है, उसकी भी अब शादी आने वाली है, होगी कुछ टाइम पे, वहाँ पे जो लड़के वाले हैं उन्होंने क्या सोचा होगा, हाँ, कि जो लड़की की जो बड़ी सिस्टर है उसके घर से कोई नहीं आया। तो ये सब चीज़ें, बातें जो छोटी छोटी होती है ना कहीं बड़ा इफेक्ट क्रिएट करती हैं। तो या फिर आपको वहाँ पे नहीं गए तो यहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कहते हैं ना कि सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था, जिसकी वजह से लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि अपनी बात रखिए, लेकिन क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि देखिए सबके घर में पेरेंट्स हैं। लेकिन यस, अगर कुछ सब्सक्राइबर्स देखते हैं तो वो गलत, अगर भेदभाव दिखता है तो वो बोलेंगे, राइट। तो कल हमें पता चला, और ये भी पता चला कि इनके घर से नोएडा में जब भी कोई फंक्शन होता है, कुछ लोगों ने कहा कि कोई फंक्शन हुआ ही नहीं, धनुआ का फंक्शन हुआ, तो ऐसा तो नहीं है, मैंने खुद देखा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कामिनी के मायके वालों को इनवाइट नहीं किया जाता है। अच्छा, मैंने जो बीच में वीडियोज़ मिस करे वहाँ पे मैंने ये चीज़ें भी देखी थी कि कामिनी ने जब यहाँ पे ऑन कैमरा कोशिश की जा रही थी, देवरानी जी इनको बोल के गई कि हमारे मायके में इन्विटेशन है ना, उस दौरान दिखाया गया था, थोड़ा ऊपर गई थी, तो उसके बाद कामिनी ने ये बोला था कि फरीदाबाद में एक लंच या डिनर या कुछ पार्टी चाय वगैरह रख लेते हैं। ठीक है, और कोशिश उनकी तरफ से भी थी कि हाँ वो चाहती थी ठीक करना। ठीक है, अगर वो उस टाइम चले जाते तो हो सकता है कामिनी जी भी इनके गृह प्रवेश मायके में आती है ना, वो तो चाहती थी सब चीज़ें ठीक हो, लेकिन उस दौरान ये सब चीज़ें ना करके क्यों नहीं गए। और कल जब इन्होंने कोशिश करी कि यस अब हम छोटों पे छोड़ते हैं कि छोटे अपनी चीज़ें ठीक करें फरीदाबाद जाके, या जो भी चीज़ें हैं अगर उन्होंने गलती करी है उस चीज़ों को ठीक करने के लिए, छोटे झुक जाए, माफ़ी मांग ले, और ये लोग भी खुश होंगे, फिर कंट्रोवर्सी ही ख़त्म हो जाएगी सारी चीज़ें, है ना। और इस चीज़ पे उनका, मैंने कल जैसे वीडियो में बोला, निकी का जो रिप्लाई आया था कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे उसने साफ साफ बोला था कि जब मेरा बच्चा खोया है ना उस दौर, कोई आया नहीं मिलने, और मैंने भी ये चीज़ बोली थी कि नहीं कामिनी जी तो हमें दिखी थी वहाँ पे, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो किस तरह से सुबह सुबह डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँची थी, फिर घर के कितने काम उन्होंने संभाले थे। ठीक है, तो अगर आपके मन में, मैं देवरानी जी से भी बोल रही हूँ कि अगर आपके मन में ये सब चीज़ें आप जो बोल रहे हो, तो फिर आपने शुरुआत जो पहल करने की कोशिश करी थी, फिर वो क्या था, वो क्या सिर्फ कैमरे के लिए किया गया था कि हाँ हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आपका समझ नहीं आता है भाई, आप क्या करना चाहते हो। अब कामनी ने यही बोला है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन ये भी था कि जो कैमरे में दिखाया जाता है कि हग किया जा रहा है, पैर छुए जा रहे हैं, तो क्या वो सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा है एक अच्छा बनने का, क्या नाटक किया जाता है। ठीक है, जबकि ऑफ कैमरा आपसे जब बोला जा रहा है कि अगर ठीक है आप ऑन कैमरा ये सब चीज़ें दिखा रहे हो, तो ऑन कैमरा ये भी कोशिश करो रिश्ते ठीक करने की उनके मायके वालों से, क्योंकि गलतियां तो देखिए आप लोग की तरफ से हुई हैं। ठीक है, और चलिए बड़ों को इन्वॉल्व ना किया जाए, लेकिन मेरे को लगता है कि इसमें बड़ों को भी समझाना चाहिए, और घर के जो बड़े होते हैं ना उनका बिल्कुल एक डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। जब बात आती है दो बेटों की, तो उनको बिल्कुल अच्छे से लेना चाहिए। ठीक है, और जहाँ तक बात रही जो एलिगेशंस जो आ रहे हैं कि यस अजीत ने ऐसा निकी को बोला, तो मैं बोल रही हूँ कि वाकई अगर बोला गया है जिस तरह से बताया जा रहा है और एग्जैक्टली वैसा बोला है, तो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, लेकिन फिर से मैं कहती हूँ कि मैं कामिनी जी अगर का भी रिप्लाई सुनना चाहती हूँ, उनका वीडियो आए और कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में, मैं उनका डेफिनेटली सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आप देखिए वही लेडी है जो कल तक उनके साथ घूम रही थी। ठीक है, रो भी रही थी, इमोशनल अटैचमेंट भी दिख रहा था, सडनली इतना चेंज, क्या मजबूरी है, क्या हुआ है आपके साथ ऐसा। हाँ, तो ये है फ्रेंड्स, और कल का जो वीडियो आया था इनका कामिनी जी के क्वेश्चन आंसर ब्लॉग में, उसमें भी काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, और मैंने ही अपनी वीडियोज़ में कहा था एक चीज़, मैं उसको भी क्लियर कर देती हूँ कि जैसे इन्वाइट वाली बात थी कि उसके फादर ने कामिनी जी के फादर ने इन्वाइट किया था, सास ससुर से फ़ोन पे बात करी थी, तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि आपको खुद जाके, हाँ जब इतनी सारी चीज़ें होगी तो घर जाके इनवाइट करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे एक पहली बात, कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि आप अपने पे देखिए, और वैसे भी इंगेजमेंट पार्टीज़ होती हैं तो लोग आजकल कॉल करके या फिर मैक्सिमम व्हाट्सअप पे इनवाइट करते हैं, व्हाट्सअप पे के अलावा कॉल भी प्रॉपर किया जाता है और रिस्पेक्टफुली इनवाइट किया जाता है, शादी वगैरह में प्रॉपर कार्ड्स और गिफ्ट्स के साथ घर जाके इनवाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट थी। फिर कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी कहना था कि जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तब
जो देवर है उन्होंने कुछ इस तरह से बोला था कि नोएडा आके दिखाना, ठीक है। तो सोचिए अगर कोई इस तरह से घर का छोटा बोल रहा है, घर के बुजुर्ग इंसान को, तो कैसा लगेगा। किस मतलब किस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो पैर तक रखेंगे, है ना। क्योंकि देखिए बड़े हैं आफ्टर ऑल, आप छोटे हो, अगर आपने गलती करी है, उसके फादर से इस तरह से बात करी है, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें ही हैं जो कहीं ना कहीं एक बहू के मन में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं, है ना। वो फिर भी वो सबके साथ रह के सब कुछ कर रही है, ठीक है। तो जो मायके का रिस्पेक्ट है उसे वो भी रखना है, वो बहू भी है, बेटी भी है, ठीक है। और वो तो बहुत अच्छे से कह भी रही थी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, और मैं बिल्कुल यहाँ पे कामनी जी के वीडियो का वेट कर रही हूँ। लेट्स सी वो क्या कहती हैं, कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में, और क्या वाकई इस तरीके से बोली गई थी जिस तरह से दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे जो कल का वीडियो था उसके कुछ कॉमेंट्स भी लेना चाहती हूँ, जहाँ पे सभी के घर में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, लेकिन उन झगड़ों की वजह से ना तो रिश्ते ख़त्म किए जाते हैं, ना ही रिश्तेदारियाँ, इंगेजमेंट में ना जाना और ना ही सामने वाले को ना बुलाना, ये दोनों ही बातें ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जब हर एक फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब हम सामाजिक जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो फंक्शंस हों, उसमें जाना नहीं छोड़ते हैं। आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अंकल जा सकते थे। अंकल को मेरे को लगता है कि अकेले ही जाके एक होता है ना कि थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, मिल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है, ये मैंने अपनी राय बताई है, बाकी आप लोग नीचे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और प्लीज़ एक अच्छे शब्दों का प्रयोग करिएगा, और जैसे कि मैंने बोला है, किसी रिएक्शन चैनल वाले का नाम नहीं लिखिएगा, कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिन ब्लॉगर्स पे रिएक्शन बनाती हूँ उनकी बात करूँगी, और उन पे ही अगर आपको कुछ लिखना है तो लिखिए, लेकिन शब्दों का दायरा, शब्दों का चयन अच्छे से होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि कितना भी समझा लो बट नहीं समझने वाले ये दोनों, वही फैमिली ड्रामा, वही तमाशा, बिकॉज पब्लिक इन्हें बढ़ावा देती है। पता नहीं कैसे फैमिली का तमाशा बना के पैसे कमाने में मज़ा आता है। आई एम टेलिंग बोथ टू देवरानी एंड जेठानी। कुछ लोगों का ये कहना है कि कामिनी जी बहुत ओवर एक्टिंग करती हैं, कितना बोलती हो। एक ने लिखा है कि हम तो सोचते हैं कि एक दिन आप दोनों एक साथ आओगे और बोलोगे कि हेलो, ये सब प्रैंक था, महादेव जल्दी से ये दिन लाएं। वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग सच थिंग्स, घर के झगड़े घर में रखो, दिस इज़ यूट्यूब नॉट योर घर का ड्राॅइंग रूम, कुछ लोगों का ये भी कहना है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था यहाँ पे कि जो देवरानी जेठानी की जो ये लड़ाइयाँ दिख रही हैं सोशल मीडिया पे, लोग क्या मैसेज मिल रहा है ना, वैसे ही लोगों की लाइफ में ऑलरेडी इतनी टेंशन है, ठीक है। तो जैसे कल भी एक कमेंट आया था कि आप लोग क्यों, जब आपकी चीज़ें इतनी ठीक नहीं हैं तो यहाँ पे इस टाइम, ठीक है, जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं, चाहे गले मिलना हो, चाहे पाँव छूना हो, तो जब सोशल मीडिया पे आप लोग दिखाते हो कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, ये सब चीज़ें, तो जो चीज़ें हैं एक्चुअली में वही दिखाई है। मुझे नहीं लगता कि ड्रामा करना चाहिए, सच्चाई ही दिखनी चाहिए ऑडियंस को, ठीक है। लेकिन यस, डेफिनेटली मैंने जैसे हमेशा से बोला है अपनी तरफ से, दोनों को कोशिश करनी चाहिए, एक के जाने से नहीं होगा, दोनों अपना ईगो में घूमते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम एक को गलत नहीं, हम दोनों को ही गलत बोलेंगे, क्योंकि हो क्या रहा है ना, एक बोल रही है, फिर एक कम्युनिटी के थ्रू कुछ बोल रही है, ठीक है, और फिर वहाँ से कम्युनिटी हटा दी जाती है, कुछ लाइक्स किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रोवर्सी का जवाब जब देने कामिनी जी आती है तो उन पर ब्लेम होता है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें की जाती है उन चीज़ों को कोई क्यों नहीं देखता है आँखें खोल के, सारा का सारा ब्लेम कामिनी जी पे एकदम से डाल दिया जाता है। तो मैंने जो चीज़ें नोटिस करी मैंने आपके सामने लाई और मैंने बोला है, बाकी यस आप लोग प्लीज़ बताइएगा क्या एग्री करते हैं क्या नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यस जहाँ जहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। और कल के वीडियोस में बहुत अच्छे कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कहती, सब अपनी राय रखिए, बस शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। बाकी यस, मैं भी वेट कर रही हूँ कामिनी जी का वीडियो आता है, क्या रिप्लाई करना चाहिए उन्हें, क्या उन पे जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। एक और अजीत पे एलिगेशन कल लगा है, खैर देखते हैं उनका वीडियो आता है, हम वेट करते हैं। मीनवाइल आप लोगों के कहना इस बारे में ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।
और जाने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।